हेलो दोस्तों, आज आपका मिश्रा जी के चैनल में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों आज हम आपके लिए हिस्ट्री से संबंधित यानी मुगल काल से संबंधित फिर से दोस्तों आपके लिए 30 MCQ लेकर आ चुके हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, हम मुगल काल से संबंधित यह वीडियो आपकी पार्ट वन और पार्ट टू में डिवाइड करेंगे। यह दोस्तों हमारा पार्ट टू होगा। अगर आपने प्ले लिस्ट में जाकर हमारा पार्ट वन नहीं देखा हो तो दोस्तों आप जरूर देख लें। पार्ट टू में दोस्तों हम आपके लिए बेस्ट 30 MCQ लेकर आए हैं। यह दोस्तों आपके हर एग्जाम के लिए अवेलेबल होने वाले हैं यह MCQ। चलिए दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन आ चुका है और दोस्तों हम आज का पहला क्वेश्चन यानी 32वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। आपके लिए ऑप्शन है ए अकबर, बी शेरशाह, सी शाहजहां या फिर डी बाबर। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ए अकबर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33वें नंबर का क्वेश्चन आपके लिए यह रहा। निम्न में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था। निम्न में से किसने फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए अकबर ने। चलिए दोस्तों इसके बाद हम पंचमहल के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए दोस्तों फैक्ट आपके लिए आ चुका है। अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1572 ईस्वी में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया था। यह दोस्तों 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। इसमें दोस्तों ध्यान रखना है हमें जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल, सुनैला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी और बीरबल की कोठी आदि प्रमुख। इसमें हमें क्या रखना है दोस्तों याद, फतेहपुर सीकरी में स्थित जोधाबाई महल है, पंचमहल है, स्वर्ण महल है, सुनहला मकान है, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी तथा बीरबल की कोठी आदि प्रमुख हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34वें नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं। आपके पास ऑप्शन है ए पंचमहल, बी मोती मस्जिद, सी सलीम चिश्ती की मकबरा, डी मरियम पैलेस। निम्न में से बताइए कि इनमें से क्या फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर होगा मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण दोस्तों दिल्ली में स्थित शाहजहां ने करवाया था, जबकि इन तीनों का निर्माण अकबर ने कराया था। पंचमहल, सलीम चिश्ती की मकबरा और मरियम पैलेस ये कहाँ है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जबकि मोती मस्जिद कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है और मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलिए दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह रहा दोस्तों, रीजनिंग गुरु मिश्रा जी के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन आ चुका है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। पश्चिम बंगाल में कि गुजरात में, सी ऑप्शन है आपके लिए उत्तर प्रदेश, डी आपके लिए तमिलनाडु। बुलंद दरवाजा कहाँ है दोस्तों कमेंट में जरूर लिखना। इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश। बुलंद दरवाजा दोस्तों उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। ध्यान रखना है दोस्तों बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। चलिए दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यह रहा, अकबर अपने धार्मिक विचार विमर्श की बातें कहाँ करते थे। आपके लिए ऑप्शन है ए जोधाबाई महल, बी पंचमहल, सी इबादत खाना या फिर डी बुलंद दरवाजा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी इबादत खाना। अकबर अपने धार्मिक विचार विमर्श की बातें अपने मंत्रीगण के साथ इबादत खाने में करती थी। चलिए दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद इबादत खाने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। अकबर की धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के अनुसार फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों ध्यान रखना है, इबादत खाने में उसकी धार्मिक परिचर्चा जो होती थी गुरुवार को शाम के समय होती थी। दोस्तों उसने 1578 ईस्वी में इबादत खाने को धर्म संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया था। ध्यान रखना है हमें इसमें, पहले इसमें सिर्फ मुसलमान ही जा सकते थे, लेकिन जब इसने 1578 ईस्वी में धर्म संसद में इसे परिवर्तित किया तो इसके द्वार सभी के लिए खोल दिए गए, जैसे हिंदू, जैन, पारसी तथा ईसाइयों के लिए भी खोल दिए गए तथा मुसलमानों ने दोस्तों इसका विरोध किया था तथा मुसलमानों ने इस धर्म संसद में जाने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, प्रयाग नगर को अल्लाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था। आपके लिए ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी अकबर, सी शाहजहां या फिर डी बहादुर शाह जफर। प्रयाग नगर को अल्लाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था दोस्तों, इसका आंसर होगा आपके लिए बी
अकबर, अकबर ने जो आज के समय में इलाहाबाद को प्रयाग कहा जाता है, उस समय अकबर के समय में उसे ही अल्लाहाबाद, अल्लाह का नाम दिया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38वीं नंबर का। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट यानी संरक्षक कौन था? अगर दोस्तों अगर आपने हमारी पहली वीडियो पार्ट वन नहीं देखा हो तो देख ले, उसमें भी हमने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाए थे। तो क्वेश्चन है आपके लिए, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक कौन था? ऑप्शन है आपके लिए ए अबुल फजल, बी बैरम खां, सी तानसेन और डी टोडर मल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बैरम खां। जब दोस्तों 1556 ईस्वी में अकबर 13 वर्ष की आयु में जब सम्राट बना था तो उसके संरक्षक के रूप में बैरम खां ने कार्य किया था। 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खां ही मुगल काल का वास्तविक संस्थापक रहा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह रहा दोस्तों, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया हो तो कृपया कर लाइक कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक कौन था? तो इसका आंसर था दोस्तों बैरम खां। यह तो क्वेश्चन हम बता चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यह रहा, 40वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने जजिया समाप्त कर दिया था? एक दोस्तों जजिया कर होता था और एक किसानों पर लगाया जाता था। तो दोस्तों निम्न में से किसने जजिया कर को समाप्त किया था? आपके लिए ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी अकबर और डी बलबन। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, अकबर ने ही दोस्तों किसानों के लिए जजिया कर को समाप्त किया था। जब दोस्तों किसान खेती करते थे तो उन्हें जजिया कर की पूर्ति करनी पड़ती थी। चलिए दोस्तों जजिया कर के बारे में आपके लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आए हैं, यह फैक्ट देखते हैं फिर आपके लिए हम इसके बाद ऑप्शन कराएंगे। मुगल सम्राट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों यह फैक्ट, चाहे तो आप इसे कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। फैक्ट है आपके लिए, मुगल सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में क्या किया था? जजिया कर को समाप्त किया था। 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर लेना भी इसने बंद कर दिया था। दोस्तों बार बार पूछा जाता है कि जजिया कर किसने शुरू किया था, तो हम देखते हैं 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने जजिया कर लेना पुनः शुरू कर दिया था। चलिए दोस्तों इसके बाद का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यह रहा, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? आपके लिए ऑप्शन है ए तानसेन, बी हुमायूं, सी राणा प्रताप सिंह या फिर डी टोडरमल। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन है? तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा डी टोडरमल। दोस्तों ध्यान रखना है, टोडरमल अकबर के पहले सिरसा के यहाँ काम करता था, जबकि सायदरा का युद्ध जब 1555 ईस्वी में हुआ था तब यह अकबर के यहाँ काम करने के लिए आया था। तो इसका आंसर होगा अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? आंसर है आपका डी टोडरमल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर की दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था, यानी तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है आपके लिए लाल कुलवंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे या फिर मार्कंडे पांडे। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, अकबर की दरबार में तानसेन जो थे उनका मूल नाम या फिर वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। चलिए दोस्तों इसके बाद तानसेन के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, आपको तानसेन के बारे में इससे पूरी जानकारी मिल जाएगी। अकबर की दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का संबंध हिंदू गौड़ या फिर ब्राह्मण परिवार से था। तानसेन के पिता का नाम क्या था? मुकुंद पांडे था। इनका गांव मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में था। तानसेन की बचपन का नाम हमें ध्यान रखना है, तानसेन के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? रामतनु पांडे था। तानसेन के बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे था। चलिए दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यह रहा, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपके लिए ऑप्शन है ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर या फिर डी शाहजहां। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा आपके लिए सी अकबर। दीन ए इलाही एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों ध्यान रखना है, दीन ए इलाही एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यह रहा, 47वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अकबर की एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? अकबर के जो नौ रत्न थे दोस्तों उनमें से किस एकमात्र दरबारी ने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? आपके लिए ऑप्शन है ए टोडरमल, बी बीरबल, सी तानसेन
और डी मानसिंह। तो इसका आंसर होगा बी बीरबल। अकबर के एकमात्र दरबारी बीरबल ने ही दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48वें नंबर का। निम्न में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर या फिर अनपढ़ था? आपके लिए ऑप्शन है ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी अकबर और डी औरंगजेब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं सी अकबर। दोस्तों 13 वर्ष की उम्र में ही उसने क्षत्रिय रूप धारण किया था, यानी तलवार को ही उठा लिया था, इसलिए उसने पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था दोस्तों। इसलिए अकबर को ही एक निरक्षर या फिर अनपढ़ व्यक्ति माना जाता है। चलिए दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों कृपया कर लें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। निम्न में से एक कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपके लिए ऑप्शन है ए असफ खां अकबर, बी आदम खां अकबर। कौन सा जोड़ा सही है दोस्तों ये बताना है, सही नहीं ये नहीं बताना है। आदम खां अकबर, बी बैरम खां अकबर, डी आपके लिए शायस्ता खां अकबर। निम्न में से एक कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका आंसर होगा सी बैरम खां अकबर। दोस्तों बैरम खां ने अकबर के संरक्षक के रूप में काम किया था। जब अकबर 1556 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में था तब उसके संरक्षक के रूप में बैरम खां कार्य कर रहा था, यानी मुगल काल का जो शासन काल है उस समय बैरम खां ही चला रहा था। तो दोस्तों ध्यान रखना है इसका आंसर आपके लिए क्या होगा, 49वें नंबर का आंसर होगा सी। चलिए दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मुगल सम्राटों को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? निम्न में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? आपके लिए ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो आपके लिए इसका आंसर होगा बी अकबर। अकबर को दोस्तों अपनी राजनीतिक भाषा फारसी का ज्ञान नहीं था, लेकिन दोस्तों उसे हिंदी का थोड़ा बहुत ज्ञान माना जाता है। चलिए दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? इसमें तो हमें दोस्तों यह याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन भारत में 1600 ईस्वी में हुआ था और उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो आपके लिए ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी हुमायूं और डी औरंगजेब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा आपके लिए ए अकबर। अकबर का शासनकाल दोस्तों ध्यान रखना है 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी, 1600 ईस्वी में आई थी। तो इसका आंसर आपके लिए होगा ए अकबर। चलिए दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया एक सुधार उपाय नहीं है? डाक प्रणाली, एकता प्रणाली या फिर मनसबदारी या फिर जब्ती प्रणाली। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी एकता प्रणाली। जबकि एकता प्रणाली जो है यह इल्तुतमिश के द्वारा लाई गई थी, जबकि दाग प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली और जब्ती प्रणाली जो है यह दोस्तों अकबर द्वारा ही लाई गई थी, ध्यान रखना है हमें। चलिए दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, कृपया कर हमारे चैनल के साथ बने रहिए। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? आपके लिए ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब और डी जहांगीर। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? तो हमें ध्यान रखना है इसका आंसर होगा बी अकबर। अकबर ने तुलसीदास जी ने 1573 ईस्वी में रामचरितमानस लिखी थी, जबकि अकबर का शासनकाल क्या है बता चुके हैं आपके लिए, 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल माना जाता है, जबकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना 1573 ईस्वी में की थी। तो इसका आंसर क्या होगा बी अकबर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर का वास्तविक अर्थ क्या होता है? राष्ट्र का अधिपति या फिर महाअधिपति। ऑप्शन है सी विजेता, डी एस सत युद्धों का नायक। तो इसका आंसर होगा विश्व विजेता। दोस्तों जहांगीर किसी का नाम नहीं होता है, लेकिन इस उपाधि को धारण किया जाता है, जो अगर विश्व को जीत लेता है तो उसे मुगल काल में जहांगीर की उपाधि प्रदान की जाती है। चलिए दोस्तों जहांगीर की उपाधि के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं, यह फैक्ट आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जहांगीर का दोस्तों ध्यान रखना है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विश्व विजेता होता है। अकबर के पुत्र सलीम ने 1605 ईस्वी में बादशाह बनने पर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि दोस्तों धारण की थी 1605 ईस्वी में? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से धारण की थी। चलिए दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नूर जहां किस मुगल शासक की पत्नी का नाम था? आपके लिए ऑप्शन है ए बाबर, ऑप्शन बी आपके लिए अकबर, सी है शाहजहां और डी है आपके लिए जहांगीर। तो नूर जहां किस मुगल शासक की पत्नी का नाम था? तो आपका आंसर होगा जहांगीर। जबकि नूर जहां जो इनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, ध्यान रखना है, इनका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। जैसे कि सलीम ने जहांगीर की उपाधि धारण की थी, इसी प्रकार इनकी पत्नी मेहरुन्निसा ने भी नूर जहां की उपाधि धारण की थी। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यह रहा, क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? आपके लिए ऑप्शन है ए शाह आलम और फर्रुखसियर ने, बी बाबर और जहांगीर ने, सी जहांगीर और शाहजहां ने, और आपके लिए ऑप्शन है डी अकबर और औरंगजेब ने। देखिए दोस्तों, इसका डी आंसर तो अपने आप वैसे ही गलत माना जाएगा, क्योंकि अकबर जो था यह एक अनपढ़ व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो यह अपनी आत्मकथा तो लिख ही नहीं सकता। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर दोस्तों कमेंट में एक बार जरूर लिखना, इसका सही आंसर होगा बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर ने ही अपनी आत्मकथा लिखी थी। चलिए दोस्तों, इसमें हम बताते हैं कि बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी थी, जबकि जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी के नाम से फारसी भाषा में तुजुक ए जहांगीरी के रूप में अपनी आत्मकथा लिखी थी। जबकि बाबर ने तुजुक ए बाबरनामा के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। दोस्तों, इनकी भाषा पूछी जाती है तो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी, जबकि जहांगीर ने फारसी भाषा में लिखी थी। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, आपके लिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, 98 नंबर का क्वेश्चन। हम देखते हैं कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम शिखर पर थी? आपके लिए ऑप्शन है ए अकबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा हमारा सी, यानी जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला थी वह अपने उच्चतम शिखर पर मानी जाती है। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यह रहा, निम्न में से किस मुगल शहंशाह ने तम्बाकू के प्रयोग पर पूर्णतः निषेध लगा दिया था, यानी पूर्णतः रूप से उसे बंद किया था? आपके लिए ऑप्शन है ए मोहम्मद शाह, बी बाबर, सी जहांगीर और डी औरंगजेब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा आपके लिए सी जहांगीर। जहांगीर ने 12 ऐसे महान लोक कल्याण के लिए काम किए थे, जैसे तम्बाकू पर उसने रोक लगाई थी और शराब पर प्रतिबंध उसने रोक लगाई थी, और जो जुआ होते हैं उन पर भी इसने पूर्णता रूप से प्रतिबंध लगाया था। ध्यान रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था यह आपके लिए। चलिए दोस्तों, इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यह रहा, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया, यानी राजकुमार खुर्रम जो था इनकी बचपन का नाम था, जबकि यह आगे चलकर सम्राट कहलाया। आपके लिए ऑप्शन है ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी बाबर और डी अकबर। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर क्या कहलाया दोस्तों, ध्यान रखना है, हमें शाहजहां कहलाया, जबकि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? राजकुमार खुर्रम के नाम से यह जाने जाते थे। चलिए दोस्तों, इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके लिए यह रहा, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताऊस निम्न में से किस मुगल भवन में रखा गया था, और यह किसके शासनकाल में रखा गया था? दोस्तों यह क्वेश्चन कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताऊस निम्न में से किस मुगल भवन में रखा गया था? आपके लिए इसका आंसर होगा डी, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताऊस को रखा गया था। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यह रहा, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आज हमने आपके लिए पूरे 30 में से 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। कृपया कर दोस्तों रीजनिंग गुरु मिश्रा जी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, और वह वीडियो आपके बहुत ही बहुत आपकी हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल मानी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।